Chapter number 3, Uses of Computer. Nowadays, computers have become a very important part of our lives. Computers are used in every field and by almost everyone, as it makes one's work easy and more efficient. You can find computers everywhere nowadays, which includes at home, in school, hospitals, airports, railway stations, shopping malls, offices, etc. Let's learn in what ways they help in these places. At home, you can search valuable information on computers. Aap valuable information computer pe search kar sakte ho. You can solve sums on computer, sums solve kar sakte ho. You can watch movies, listen to music and also play games. Ye to bachcho ko pata hi hoga. और बड़े भी जानते हैं कि मूवीज हम इस पे देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं और गेम्स भी खेल सकते हैं. यू कैन मेक योर स्कूल प्रोजेक्ट्स ऑन कंप्यूटर. जैसे आपका स्कूल अभी कंप्यूटर पे ही या लैपटॉप पे चलता है, वैसे ही हम प्रोजेक्ट्स भी उसके बना सकते हैं. यू कैन सेंड ईमेल्स टू योर फ्रेंड्स. हम ईमेल्स भी, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भी अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मेल्स आर द इलेक्ट्रॉनिक लेटर्स. अभी स्कूल में क्या इसका उपयोग है ये जानते हैं. एट स्कूल टीचर्स कैन यूज़ कंप्यूटर्स फॉर मेकिंग टेस्ट पेपर्स एंड एग्ज़ाम रिपोर्ट्स. टेस्ट पेपर्स बनाने के लिए और एग्ज़ाम के रिपोर्ट्स बनाने के लिए टीचर्स कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं. कंप्यूटर्स इन लाइब्रेरी आर यूज्ड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स. कंप्यूटर्स लाइब्रेरी में भी यूज़ होते हैं बुक्स के रिकॉर्ड्स रखने के लिए, या उसका डेटा, मतलब बुक का नाम, उसका ऑथर, वो बुक किसने इशू किया, रिटर्न डेट वगैरह सब. कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर टाइम टेबल्स. टाइम टेबल्स जो स्कूल के होते हैं या भी कोई भी हो सकते हैं टाइम टेबल्स, वो यूज़ करने के लिए स्कूल में, स्कूल के टाइम टेबल्स के लिए यूज़ करते हैं. कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन कंप्यूटर लैब वेयर स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू यूज़ इट. अभी जैसे एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट है और इसका प्रैक्टिकल भी होता है, तो कंप्यूटर लैब में उसका प्रैक्टिकल होता है. उसके उसमें क्या सिखाया जाता है, टीचर बच्चों को सिखाते हैं कैसे कंप्यूटर को यूज़ करना है, कैसे उनको ऑपरेट करना है वगैरह सब. स्टूडेंट्स कैन ड्रॉ कलर एंड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. ड्रॉ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, जैसे नोटपैड या पेंट में आपने देखा होगा, वैसे ही इसमें कंप्यूटर के मदद से हम ड्रॉ या कलर कर सकते हैं. डू यू नो कंप्यूटर ऑल्सो हैव मेमोरी लाइक ह्यूमंस. इट इज़ कॉल्ड एज रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, विच इज़ वोलाटाइल, मतलब थोड़ी देर बाद वो वैनिश हो जाती है या भूल जाते हैं. जैसे ह्यूमन भूल जाते हैं, वैसे ही ऐसी मेमोरी होती है जो बाद में वैनिश हो जाती है. कंप्यूटर ऐसे इंफॉर्मेशन को याद नहीं रखता जो रैम में हो, वो मेमोरी प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी होती है. एट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कंप्यूटर्स का कैसे यूज़ करते हैं. कंप्यूटर्स असिस्ट डॉक्टर्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस. जो ऑपरेशंस होते हैं, सर्जरीज होते हैं, उसके लिए भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है. कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेंटेन पेशेंट्स रिकॉर्ड. जो रिकॉर्ड जैसे हमने बुक्स का देखा, वैसे ही पेशेंट्स का भी रिकॉर्ड हो सकता है. कहाँ कभी एडमिट हुआ पेशेंट, कब उसको डिस्चार्ज मिला, उसको क्या बीमारी थी, क्या उसको ट्रीटमेंट दी थी, ये सारे रिकॉर्ड हम कंप्यूटर्स पे रख सकते हैं. कंप्यूटर्स असिस्ट आई डॉक्टर्स टू टेस्ट द आईज ऑफ द पेशेंट. जो आई टेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, वो भी कंप्यूटर्स पे करते हैं. कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर एंड प्रिंट मेडिकल रिपोर्ट्स. जो भी हमने टेस्ट करवाए, जो भी कुछ बीमारी हुई थी या एडमिट हुए थे या डिस्चार्ज हुए थे, वो सारा जो पेपर वर्क है वो प्रिंट करना, रिपोर्ट्स बनाना, ये काम कंप्यूटर का हॉस्पिटल में होता है. कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड टू डायग्नोस अ पेशेंट्स इलनेस. इट रिकॉर्ड्स पेशेंट्स हार्ट बीट. कंप्यूटर की मदद से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या बीमारी हुई है. ये हॉस्पिटल में इसे इस्तेमाल किया जाता है और उसका जो हार्ट बीट है उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है. ये देखिए, आई स्पेशलिस्ट जो होते हैं कंप्यूटर की मदद से अपनी आईज चेक करते हैं हमारी, कि क्या आईज को अपने नंबर है वगैरह सब यहाँ से पता चलता है. और यहाँ पर सब रिकॉर्ड्स रखने के लिए ये जो है डॉक्टर काम कर रहे हैं. बैंक में कैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल हो सकता है या यूज़ करते हैं. एट बैंक्स, कंप्यूटर्स एट बैंक्स आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस एंड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स.
कैलकुलेशंस करने के लिए और रिकॉर्ड्स उसके सब रखने के लिए कंप्यूटर का यूज़ बैंक में होता है। कैलकुलेशंस कैसे, समझो किसी ने पैसे निकाले हैं तो उसकी अभी कितने पैसे बचे हैं अकाउंट में, या किसी ने पैसे भरवाए हैं, डिपॉजिट किए हैं तो कितने पैसे ऐड हुए, ये सारे कैलकुलेशंस जो है कंप्यूटर की मदद से वो रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेंटेन ऑल द अकाउंट डिटेल्स ऑफ द कस्टमर ऑफ द बैंक। जो भी कस्टमर्स है बैंक में, जिनके भी खाते हैं, जिनके भी अकाउंट्स हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए, वो भी एक्यूरेट रिकॉर्ड, उसके लिए कंप्यूटर्स का मदद होता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम ATMs। ATM आपको पता होगा कि ऐसे छोटे से बैंक के जैसे ही होते हैं, मगर मशीन लगा रहता है, वहाँ पे कोई इंसान नहीं होता है, वो मशीन के थ्रू हम कार्ड के थ्रू पैसे निकाल सकते हैं, ये आपको पता होगा। तो ये बैंक का इस्तेमाल, कंप्यूटर्स का बैंक में ऐसा इस्तेमाल होता है। एट रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स, कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर बुकिंग टिकट्स। कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड टू नो द डिपार्चर एंड अराइवल ऑफ द ट्रेन्स एंड द फ्लाइट्स। टिकट बुक करने के लिए या और जो भी ट्रेन्स और जो फ्लाइट्स है उनका जो डिपार्चर है, कब उड़ने वाली है फ्लाइट और कब आने वाली है फ्लाइट, ये सब रिकॉर्ड कंप्यूटर्स की मदद से रखा जाता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेंटेन पैसेंजर्स रिकॉर्ड, और जो पैसेंजर्स हैं उनका सारा रिकॉर्ड सब रखने के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल रेलवेज एंड रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स पे होता है। शॉपिंग मॉल, एट शॉपिंग मॉल्स कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू जनरेट बिल्स। जो भी हमने सामान खरीदा हो वहाँ पे बिल बनाने के लिए, आपने देखा होगा डी मार्ट, बिग बाजार या कोई भी शॉपिंग मॉल में आप जाते हो, ऐसा काउंटर हमेशा होता है, वहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू बारकोड स्कैन द आइटम्स परचेस्ड बाय द कस्टमर। जो भी आइटम आपने खरीदा, आपको कभी अगर मौका मिले मम्मी के साथ जाने का शॉपिंग में तो आप जा सकते हो, तो भी जब मम्मी बिल पे कर रही हो तो एक मशीन होती है जो हर प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाती है वो लेडी, और वो कुछ तो लाइट लगती है जो स्कैन होता है, वो बार कोड स्कैन हो रहा होता है, वहाँ पे लाइंस 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 होती है, वो बार कोड होता है, और उसको स्कैन करने के लिए या रीड करने के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। वहाँ पे उनके हाथ में जो रीडर होता है उससे कोड रीड होता है और कंप्यूटर में पता चलता है कि ये कौन सा आइटम है और उसका प्राइस कितना है या फिर उसके ऊपर कोई ऑफर है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेंटेन लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स एंड देयर प्राइसेस एंड ऑल्सो यूज्ड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर्स डिटेल्स। कंप्यूटर्स का इस्तेमाल जो भी आइटम्स है, कितने आइटम स्टॉक में है, कितने आइटम ख़त्म हो गए, ये सारी चीज़ें और उनके प्राइसेस के मेंटेन करने के लिए, जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और जो कस्टमर्स डिटेल्स है उनका भी रिकॉर्ड किया जाता है। इन ऑफिसेस कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड डेटा। ऑफिस में आपको पता होगा, अभी घर पे ही पापा का ऑफिस है शायद कोरोना की वजह से, मगर जब भी ऑफिस में भी आपके पापा जाते होंगे तो कंप्यूटर का ही इस्तेमाल वहाँ पे होता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू स्टोर और डेटा, स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड डेटा, जो भी काम कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन एंड डेटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू टाइप लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जो लेटर्स है और डॉक्यूमेंट्स है उसको टाइप करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव मेल्स। जो भी इलेक्ट्रॉनिक मेल है, मैं बोली अभी, जो हम फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हैं, वैसे ही ऑफिशियल यूज में भी उसका इस्तेमाल होता है, सेंड करते हैं उसके लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज फॉर अदर पर्पजेज, फॉर एग्जाम्पल फॉर डिज़ाइनिंग, और कुछ अलग उसके उपयोग है कंप्यूटर्स के जहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है, डिज़ाइनिंग के लिए, डिफेंस पर्पज़ के लिए, स्पीच रिसर्च, स्पेस रिसर्च के लिए, मेकिंग एनिमेटेड मूवीज़, जो आप मूवीज़ देखते हो एनिमेशन के, उनके लिए, पुलिस स्टेशन में इट इज़ यूज टू ट्रैकिंग क्रिमिनल्स रिकॉर्ड। पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल रिकॉर्ड ट्रैक करने के लिए
या फिर कोई क्राइम हुआ है तो वो ऑलरेडी क्रिमिनल है क्या, ये सब उनके पास डेटाबेस होता है, वो सब सर्च करके ही वो पता लगाते हैं। इसमें बहुत बड़ा हाथ कंप्यूटर का होता है, वो मदद करता है ये चीज़ों में। डू यू नो कंप्यूटर्स हैव समथिंग कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर दैट कैन मेक कैलकुलेशन सुपर फास्ट। कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर नाम की ऐसी चीज़ होती है जिससे कैलकुलेशन फटाफट हो जाते हैं। ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। इन हॉस्पिटल्स कंप्यूटर्स आर यूज टू मेंटेन पेशेंट्स रिकॉर्ड्स। इन स्कूल्स कंप्यूटर्स आर यूज टू मेक टेस्ट पेपर्स। इन बैंक्स कंप्यूटर्स आर यूज टू मेंटेन ऑल द अकाउंट डिटेल्स ऑफ द कस्टमर। इन एयरपोर्ट्स कंप्यूटर्स आर यूज टू मेंटेन पैसेंजर्स एयर टिकट रिकॉर्ड्स। इन पुलिस स्टेशन कंप्यूटर्स आर यूज टू ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल्स। ट्रू और फॉल्स लिखना है। इन ऑफिसेस कंप्यूटर्स आर यूज टू टाइप लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ट्रू है। इन हॉस्पिटल्स कंप्यूटर्स आर यूज टू मेक स्टडी टाइम टेबल्स। फॉल्स। इन बैंक्स कंप्यूटर्स आर यूज टू मेंटेन पेशेंट्स रिकॉर्ड्स। फॉल्स। इन शॉपिंग मॉल्स कंप्यूटर्स आर यूज टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ आइटम्स and their prices and also used to keep record of customers details. True. In railway stations computers are used to book tickets. True. Match the following columns. At this place computers are used to make your school project. Kahan pe school project? Ghar pe banate hain hum. At this place, computers are used to track criminal records, police station. At this place, computers are used to make test papers, school. At this place, computers are used to barcode scan the items purchased, shopping mall. At this place, computers are used to withdraw money from ATM, that is banks. Given below are the places where computers are used. Fill in the missing blocks. ये यहाँ पे hospital, bank, school, home, office. Students need to make a list of places where they see the use of computers. कहाँ कहाँ पे आप देखते हो computers इस्तेमाल किए गए हैं, इसका use होता है, वहाँ की places के नाम लिखते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल लिखे हैं मॉल्स, ऑफिसेस, होम, बैंक, स्कूल। आप कुछ भी आपको जहाँ पे लगता है लिख सकते हो। आपके आंसर्स मेरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसी के साथ ही यूजेस ऑफ कंप्यूटर ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।